हेलो क्लास, दिस इज मिस बबीता। वेलकम टू आवर ऑनलाइन मैथ क्लास। ऑन दिस क्लास वी विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम ऑन मैथ, दैट इज वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर हियर, दैट इज अ लार्ज नंबर। सो लार्ज नंबर वी कैन सी इन आवर डे टू डे लाइफ, मोस्ट ऑफ द नंबर्स दैट इज आवर फोन नंबर, आवर अकाउंट नंबर, मोबाइल पासवर्ड नंबर, सो हम लोगों ने बहुत सारे नंबर्स देखे हैं। बहुत सारे नंबर्स में से कुछ लार्ज नंबर भी है और कुछ स्मॉल नंबर्स भी है। स्मॉल नंबर जैसे कि हमारे जो घड़ी में जो नंबर्स है, वॉच में जो नंबर्स है, वो वन डिजिट का या फिर टू डिजिट का ही नंबर होता है, उससे बड़ा नंबर नहीं होता है। तो दोज आर द स्मॉलेस्ट नंबर। बिग लार्जर नंबर्स एग्जाम्पल आर द फोन नंबर विच इज 10 डिजिट नंबर्स, आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल अकाउंट, सॉरी तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर, बहुत सारे नंबर्स है जो कि लार्जर नंबर्स भी है। तो लार्जेस्ट नंबर को पढ़ने के लिए एक तरीका होता है, कोई थाउजेंड, हम लोगों ने फोर्थ क्लास में थाउजेंड लाख तक पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लार्जर नंबर में क्रोर का इंट्रोडक्शन होगा, वन क्रोर और मोर देन वन क्रोर का इंट्रोड्यूस होगा। सो हम लोगों ने देखो यहाँ पर दिया है होल नंबर। यू आर फेमिलियर विथ काउंटिंग नंबर्स ऑफ सेवन और फ्यूअर डिजिट। द स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर इज 10 लाख। द ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर इज 99,99,999. इट इज रीड आज 99,99,999. There are many counting numbers greater than this number. So देखो हम लोगों को यहाँ तक पता है कि सेवन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 99,99,999. लेकिन उससे भी बड़ा नंबर है, जैसे कि तुम लोग अगर 99,99,999,999 में अगर हम लोग वन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन क्रोर हो जाएगा। सो वन क्रोर में देखो, दिस इज वन क्रोर, वन टेन्स हंड्रेड, दिस आर द थाउजेंड प्लेस, दिस आर इन लाख प्लेस, दिस इज इन क्रोर प्लेस। सो वन क्रोर में कितना जीरो होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर। तो एट डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वन क्रोर है, एट डिजिट का सबसे छोटा नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद द नंबर जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर कैसे कहा जाता है, देखो यहाँ पर हेडिंग है होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ द नंबर जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स है जीरो को भी मिला के, जीरो से स्टार्टिंग होता है नंबर्स, तो जीरो को भी मिला के जितना भी काउंटिंग नंबर्स होता है उनको क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। सम होल नंबर बियॉन्ड द वन क्रोर आर गिवेन बिलो। सो कुछ यहाँ पर होल नंबर का एग्जाम्पल दिया गया है। नंबर्स इन फिगर में ये है, नंबर्स इन वर्ड में है। देखो यहाँ पर कितना है, वन क्रोर एंड वन है लिखा गया है वर्ड्स में, ये सारे नंबर्स को वर्ड्स में लिखा गया है। तो हम लोगों को वर्ड्स में लिखने के लिए उससे पहले क्या जानना चाहिए, प्लेस वैल्यू चार्ट को अच्छे से जानना चाहिए। प्लेस वैल्यू तो चार्ट तुम लोगों ने फोर्थ क्लास में पढ़ चुके हो, जैसे कि सो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर्स, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पहले देखेंगे, ठीक है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, कैसे बनाना है इसको, पहले इसको फोर डिवीजन में डिवाइड कर दोगी, ठीक है। फोर डिवीजन में फर्स्ट कौन सा प्लेस है, वंस का प्लेस है, देन थाउजेंड का, देन लाख, देन क्रोर्स। सो थाउजेंड वंस का प्लेस में फिर इसको तीन भाग में डिवाइड होगा, वंस प्लेस में वंस, टेंस एंड हंड्रेड मिल के रहेगा, मतलब वंस प्लेस में तीन डिजिट रहेगा वंस, टेंस एंड हंड्रेड का, थाउजेंड प्लेस में थाउजेंड का एंड टेन थाउजेंड का, ये दो भाग में डिवाइड होगा। फिर लाख में लाख एंड टेन लाख,
क्रोर में क्रोर एंड ट्रेन क्रोर्स। सो तीन भाग में फिर टू टू और टू, थ्री टू टू टू, इसमें लिख सकते हो जो जो कुछ भी लिखना है। वंस का मतलब वन ही डिजिट रहेगा, टेंस का मतलब टू डिजिट रहेगा, हंड्रेड का मतलब थ्री डिजिट रहेगा, थाउजेंड में फोर डिजिट रहेगा, टेन थाउजेंड में फाइव डिजिट रहेगा, लाख में सिक्स डिजिट रहेगा, टेन लाख में सेवन डिजिट रहेगा, क्रोर में एट डिजिट रहेगा, टेन क्रोर में नाइन डिजिट रहेगा। सो वन टेन हंड्रेड वन थाउजेंड टेन थाउजेंड वन लाख टेन लाख वन क्रोर टेन क्रोर्स, दिस इज द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन को तीन डिवीजन में डिवाइड किया गया, वंस प्लेस को वंस टेंस एंड हंड्रेड में, थाउजेंड को थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड में, लाख के प्लेस में कौन कौन रह गए, लाख एंड टेन लाख, क्रोर के प्लेस में क्रोर एंड टेन क्रोर्स। ठीक है, सो दिस इज द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको यूज करके कोई भी नंबर्स तुम लोग बोल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दी थ्री फोर सिक्स नाइन एट फाइव थ्री टू वन, इसका मतलब क्या है, थ्री फोर है क्रो, ये कौन थ्री के प्लेस में क्या है, थ्री कौन सा प्लेस में है, टेन क्रोर के प्लेस में है, तो इसको क्या बोलोगी, थ्री ट्रेन क्रोर्स, फोर क्रोर्स, सिक्स टेन लाख, नाइन लाख, एट टेन थाउजेंड, फाइव थाउजेंड, थ्री हंड्रेड, टू टेंस, वंस, इस ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ये डिवीजन को एक एक लेके भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ये थर्टी फोर कौन सा डिवीजन में है, क्रोर के डिवीजन में है, तो थर्टी फोर क्रोर्स, लाख के प्लेस में कौन है, सिक्सटी नाइन है, सिक्सटी नाइन लाख, थाउजेंड के प्लेस में कौन है, एटी फाइव है, एटी फाइव थाउजेंड, वंस के प्लेस में कौन है, थ्री ट्वेंटी वन है, तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन लिख सकते हो, थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन भी लिख सकते हो, थ्री ट्वेंटी वन भी लिख सकते हो, थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन। ठीक है, सो दिस इज द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, फिर मेथड ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लार्ज नंबर, इसको पढ़ना कैसे है और समझना कैसे है। यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने प्लेस में लिख दिए और पढ़ना हो गया, तो फर्स्ट तीनों को एक बार एक एक ही तरह पढ़ोगी, दोनों को फिर नेक्स्ट टू को फिर नेक्स्ट को फिर नेक्स्ट को। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। कैसे लिखने के टाइम कैसे लिखोगी, पहले तीन लिखोगी, फिर दो लिखोगी, फिर दो लिखोगी, फिर बाकी जितना भी है उस सबको लिख दोगी। ठीक है, अगर यहाँ पर 34 नहीं होके 134 हुआ तो उसको कितना क्रोर बोलेंगे, 134 क्रोर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर 2134 हो गया तो 2134 क्रोर्स बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लार्ज नंबर्स। सो देखो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 2473051 9, इसको कैसे लिखने के लिए दिया गया है, इसको पढ़ना और समझना है हमें। देखो ऐसे देखने से हम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या, कितना करोड़ कितना लाख कितना थाउजेंड होगा, नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले तीन फिर दो इस सिस्टम में लिखेंगे। तो क्या है यहाँ पर 2473051 9, ये है, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह। पहले तीन को यहाँ पर रख देंगे 619, फिर दो को यहाँ पर रखेंगे 05, फिर दो को यहाँ पर रखेंगे 73, फिर दो को यहाँ पर रखेंगे 24। ये कौन सा प्लेस में रखे, तीन कहाँ पर है, ये वंस का प्लेस में है, ये थाउजेंड का, ये लाख का, ये क्रोर के प्लेस में है। तो पढ़ेंगे कैसे, 24 क्रोर 73 लाख
5005 है, इसका मतलब है 5619, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं। फिर और एक दिया गया है, देखो, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 78 96 54 301। इसको देखो, ये छोड़ छोड़ के दिया गया है, तो इसको हम लोगों को पढ़ने के लिए आसान होगा। देखो, तीन डिजिट है, ये इसका मतलब क्या है, ये वंस क्लियर प्लेस में है, ये कौन सा प्लेस में, 1000, दिस इज लाख, दिस इज करोड़। तो 78 crore 96 lakh 54,301, इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में भी ऐसे लिख सकते हो। 70 देखो, करोड़ के प्लेस में 78, लाख के प्लेस में 96, 1000 के प्लेस में 54, वंस के प्लेस में 301 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, द प्लेस वैल्यू ऑफ वन इज वन, वंस के प्लेस में है, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज टेंस, तो जीरो टेंस का मतलब क्या है, जीरो जीरो, जीरो को हम कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, लेकिन लिखा जाएगा 100 के प्लेस में है 3, तो ये है डिस्क्रिप्शन। रिमेंबर, क्या रिमेंबर करने के लिए दिया गया है, द वैल्यू ऑफ ए प्लेस इन द प्लेस वैल्यू चार्ट इज जीरो इज 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द प्लेस वैल्यू जस्ट इट्स राइट। इसके राइट में जो एक नंबर जो होता है, कोई भी नंबर लो, अगर उस नंबर के राइट में देखोगी, ये राइट से ये 10 टाइम्स बड़ा होगा, ठीक है। ये 1000 है, ये 10,000 है, मतलब क्या है, 10 टाइम्स ये बड़ा है उससे, 4 से 5 10,000 10 टाइम्स बड़ा है, 0 से 3 10 टाइम्स बड़ा है, 6 से 9 10 टाइम्स बड़ा है। तो जो भी नंबर हो, उसके राइट से, राइट का जो नंबर होता है उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, 10 वंस का मतलब है 110, 10 टेंस का मतलब है 100, 10 हंड्रेड का मतलब है 1000, 10,000 का मतलब है 110,000, 10,000 का मतलब है 1 lakh, 10 lakhs का, 10 lakhs का मतलब क्या है, 110 lakh, 10 lakhs का मतलब क्या है, 1 crore, 10 crores का मतलब क्या है, 110 crores, 100,000 इज इक्वल टू 1 lakh, 100 lakhs इज इक्वल टू 1 crores। सो हियर विथ योर क्लास इज ओवर, यू हैव टू रीड एंड डू सम मोर प्रैक्टिस ऑन दिस लार्ज नंबर। योर होमवर्क इज, होम टास्क इज, राइट दिस नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो इस नंबर को, ये नंबर जो चारों नंबर दी हूँ मैं, इसको तुम लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और उसमें शो करना है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू।